अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, रोज़ की तरह आज क्या कर रहे हो? अच्छा, साफ करेंगे प्लेटें। ये वो प्लेटें जो हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि इस पर हमारे पास बहुत आई हुई थी हाँ और तब उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये हमें वापस भी कर दिए वालों को, लेकिन हम आज साफ करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसको साफ किस तरह करना है, चलो मैं भी। क्योंकि ऑलरेडी पैथोजन मौजूद होता है, इसे आप पहले यही करेंगे कि इसे आप क्लियर करेंगे, आठ क्लियर के बाद इसे आप क्लियर साफ करेंगे। तो साफ करने का तरीके ये है कि पहले आप जो ये जो टेप आपने लगाए वो लगाएंगे रोटी के ऊपर, आपने इसको पहले खोलना है, फिर आपने कोई शावर लेना है, क्योंकि आप इसको डांट में डिस्कार्ड नहीं करेंगे उसमें बेसन में, इसके लिए आपके पास एक शावर भी होना चाहिए, वो भी लेंगे हम साथ में। चलो, वॉशिंग का काम मैंने कभी किया नहीं है, ऐसे ही ले लूँगा आपके। पर आएगा तो उसे पता नहीं होगा कि ये किसकी क्या कितनी अच्छी है, उसमें है क्या, तो ये दर्ज अच्छी थी इसलिए इसको हम डिस्कार्ड करेंगे शॉप पर रखेंगे। अभी लुत्तों का भाई तो मंडी। अच्छा, तो ये है इसके भी मीडिया रह गया था, तो इसलिए हमने टेबलेट क्या हुआ है, ये भी अभी कितने दिन फ्री है क्योंकि 121 से क्रिकेट और 15 की साइड है, जितनी भी जो जर्म है या जितनी बैक्टीरिया है वो सारे मर जाते हैं, तो ये बेटा है क्योंकि बहुत ही बेस हम डायरेक्ट भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोई मसला नहीं होगा इसमें। तो ये जो शॉप है इसके जितने बेटे साथ या बेस में हम इसे वो करेंगे मालूम है उसको उसके बाद हमारे पास ये सर्फ है और ये हम इसे साफ करेंगे इसको क्योंकि ये डिसइंफेक्ट है, तो ये तो ये होगा कि साफ हो जाएगा जब भी स्ट्रेन होंगे, दूसरा ये कि ये सिलाई नहीं होगा इसकी तरह से, इसी तरीके से कुछ जो स्ट्रेन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और जो बाकी बायोलॉजिकल पेशेंट थे उसका वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम ये बताना चाहेंगे कि आपसे बात करेंगे प्लीज आप बाकी इसके ऊपर जो मार्कर के निशान होंगे उसे हम करना पसंद करते हैं, यहाँ भी इतना हो गया है कि जैसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं तीन चार साफ हो गया है। तो ये जितने भी प्लेट थे और ये ग्लास थे ये हमें साफ कर लिए हैं, बाकी इसके ऊपर जो परमानेंट मार्क के निशानात होंगे उसे हम कीटाणु के साथ साफ करेंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट टाइम जो फ्यूचर में प्रिंट्स को लेबल करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि हम यूज करने के बाद उसके कितनी भी एक बार मैंने बात की है इन शाला को देखने के लिए हम साफ कर रहे हैं। बाकी जो ये टेप लगे उसके ऊपर इसको जब हटाने में तो हम इसको साफ कर जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अब इन चीज़ों का अगर हम दोबारा यूज़ करें तो इससे पहले हम उसको स्प्रे करिए या कि जितनी भी स्पोर्स हो इसमें जितनी कंटेमिनेशन हो बिल्कुल साफ़ हो जाए, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे इसके बाद।